हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति एंड आज आपके साथ जो वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है कुछ इनर वेयर्स का या अंडर गारमेंट्स का बोल लीजिए। एंड टाइम टू टाइम आफ्टर अ करेक्ट टाइम गैप मैं ऐसे वीडियोस पोस्ट करते रहती हूँ, क्योंकि जिस गैप में मैं अपने वीडियो पोस्ट करती हूँ उसी गैप में आपको अपने अंडर गारमेंट्स भी चेंज करते रहना चाहिए। बिकॉज एज अ ह्यूमन बींग यू विल डेफिनेटली हैव सम हार्मोनल चेंजेस बिकॉज ऑफ विच योर साइज में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अभी मैं आपको कुछ ब्रास दिखाने वाली हूँ एंड कुछ पैंटीज़ दिखाने वाली हूँ। पैंटीज़ एकदम ज़बरदस्त वाली पैंटी है। बहुत लोग मुझे शेपर्स के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी पैंटी, अगर आप वैसी वाली पैंटी लेंगे तो आपको अलग से शेपर के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लुक है, जो आप अपनी जो साइड बल्जिंग जो होती है कमर के नीचे, जो हम लोग पैंट के पास जब जो एक्स्ट्रा चर्बी जो निकल के गिरती है वो काफ़ी मतलब वियर्ड दिखती है। तो अगर आप जो पैंटी मैं दिखा रही हूँ वैसी वाली पहनेंगे तो आपको बल्जिंग नहीं होगी। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग जो है जो थोड़े बोल्ड कपड़े पहन लेते हैं और शॉर्ट लेंथ टॉप्स पहनते हैं, अगर वो झुकते हैं या कुछ भी करते हैं तो पीछे से जो है जीन्स के अंदर से जो है पैंटी दिखती है, जो पता लगता है भैया पैंटी का ये जो है ऊपर वाला बॉर्डर है। तो अगर आप जो पैंटी मैं बता रही हूँ वो पहनेंगे तो वो एकदम बॉडी को हग करके रहती है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी खुली हो। दूसरी जनरल जो पैंटीज़ होती है वो क्या होता है, रेगुलर पैंटी की वजह से जहाँ पे भी आपके बॉडी में थोड़ा कर्व आता है वहाँ से थोड़ी ढीली सी दिखती है, लेकिन ये क्या है आपकी पूरी कमर को ऐसे पकड़ के रखेगी तो वो भी लुक कोई वियर्ड नहीं दिखेगा। तो लेट मी शो यू ऑल द पैंटीज। बट बिफोर दैट, फ्रॉम वेयर डिड आई परचेज दिस? आई परचेज दिस थ्रू कूपन बाइट्स फ्रॉम शायवे। इससे पहले भी मैं आप लोगों से शायवी के जो है ऐसे हॉल शेयर कर चुकी हूँ ब्रास के एंड ऑल, तो आपको वहीं से ख़रीदना चाहिए जहाँ से आपको क्वालिटी अच्छी मिलती हो प्लस डिस्काउंट भी अच्छा मिलता हो। तो कूपन बैट के थ्रू मैंने जब ये शायवी से शॉपिंग करी है तो मुझे 400 रुपये का कैशबैक भी मिला है। एंड अगर आप पहली बार साइनअप कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको 25 रुपये का जो है साइनअप बोनस भी मिलेगा। तो कहने के लिए आपको लग रहा होगा 25 रुपये, लेकिन 25 रुपये कुछ कम नहीं होते। कभी कभी क्या होता है हमारे वॉलेट में ऑलरेडी कुछ अमाउंट होता है, लेकिन 10 रुपये या 15 रुपये कम पड़ने की वजह से हमको फिर से इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना पड़ता है या डेबिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन वही 25 रुपये अगर आपके वॉलेट में उसी टाइम पे अवेलेबल है अलॉन्ग विथ योर रेस्ट ऑफ द अमाउंट, तो आपको दोबारा अपना कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो 25 रुपये इज़ ऑल्सो अ गुड अमाउंट, राइट? कोई अमाउंट छोटा नहीं होता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आज 1 रुपया है तो कल 1 करोड़ हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट? सो पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, तो कीप थिंकिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचते रहो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब है कि किसी भी वियर्ड सिचुएशन या किसी भी वर्स सिचुएशन को आप रिएक्ट पॉजिटिवली कैसे करते हो, राइट? सो दैट वॉज अ लिटिल मोटिवेटिंग मैसेज फॉर यू ऑल। नाउ लेट मी शो यू ऑल द आइटम्स विच आई हैव गॉट। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ब्रास दिखा रही हूँ जो कि मैंने डेली वेयर के लिए ले रखी है, घर में आप पहन सकते हैं उसको। तो सबसे पहली ब्रा है ये वाली, ये देख रहे हैं, ये लाइट पैडेड है क्योंकि हम जब टी शर्ट कुछ पहनते हैं या जो पतली सी टी शर्ट होती है फिर उसमें से निप्पल दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है बिकॉज दे डोंट हैव हैबिट ऑफ वेयरिंग पैडेड ब्रा अंडर द टी शर्ट ब्रा, उससे क्या होता है दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड कि बार बार दे कीप चेकिंग, इफ़ यू नोटिस दैट दे कीप चेकिंग देर निप्पल कहीं ऊपर तो नहीं आ रहा है, एंड दे देन यू नो ट्राई टू हाइड इट सम हाउ। सो उतने परेशानी, मेंटल टेंशन एंड इस सब के अलावा अगर आप एक ऐसी ब्रा ले लेते तो दैट विल बी कम्फर्टेबल फॉर यू एंड लुक वाइज भी एक अच्छा लुक देता है। सो दिस इज़ 1 ब्रा एंड पूरा जो है इसका टी शर्ट मटेरियल वाला है एंड घर में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है एंड मैंने ग्रे कलर का लिया है। एंड ग्रे या ब्लैक जो भी होता है आप किसी भी टॉप के नीचे पहनेंगे तो वो बाहर दिखता नहीं है। जनरली जब आप वाइट कपड़े पहनते हैं उसके नीचे अगर आप वाइट ही ब्रा पहनेंगे तो पूरा शेप अच्छे से नज़र आता है, तो इसलिए आप जब ऐसी ब्रा पहनेंगे तो आपको जो है बाहर कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो एक ये ब्रा है, उसमें पैड है एंड दिस इज़ अनादर ब्रा। जैसे कि जो भी कॉटन कुर्तियाँ या कॉटन कपड़े कुछ भी पहनते हैं आप, तो उसके नीचे भी आप ऐसे पहन सकते हैं। इसमें पैड्स नहीं है, जस्ट अ रेगुलर ब्रा विथ अ लिटिल ब्रॉड स्ट्रैप्स। तो ब्रॉड स्ट्रैप से क्या होता है आप होल्ड अच्छी तरह करेगा, प्लस कोई भी मार्क्स नहीं छोड़ेगा एंड आपको एक कंधे भी दर्द नहीं होंगे।
सो दिस इज़ अनदर ब्रा एंड मैंने सारी ब्राज जो है फुल कवरेज वाली ली है बिकॉज आई प्रेफर फुल कवरेज एंड न्यूड कलर तो बनता ही बनता है तो मैंने एक पैड ली, उसके अलावा ये न्यूड ली है। जो आप न्यूड कलर का प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी के भी नीचे पहन सकते हैं, आपको कलर्स के, आप कोई भी कलर का टॉप पहन रहे हो या कोई भी कलर की कुर्ती पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं ये बाहर दिखेगा तो नहीं। तो ये मैंने एक न्यूड कलर का लिया है, तो इसके देखिए ये इसका जो गला है ऐसे डीप वी है, आपको जो है बहुत फुल अच्छा कवरेज देता है ये वाला भी ब्रा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस ब्रा। इसमें साइड में देखिए ये ऐसे वायर लगी हुई है तो साइड से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा एंड आपका जो ब्रेस्ट का शेप है वो भी प्रॉपरली फॉर्म होगा। जो भी ब्रास मैं दिखा रही हूँ सारे के लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उसके कॉस्ट भी। एंड आपको कॉस्ट अगर आप जितना भी देखते हैं, क्योंकि आपको कैशबैक कैसे भी मिलने वाला है तो आपको बहुत कम रेट में जो है सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये तो तीन थी मेरी रेगुलर एवरीडे पहनने वाली ब्रा एंड उसके बाद मैं आपको थोड़ी जो है स्पेसिफिक ब्रा दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ अनदर ब्रा, देख रहे हैं आप। सो दिस इज़ पैडेड एज वेल एज़ अंडर वायर एंड इसके साथ देखिए ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स भी दे रखी है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं एंड ये सारे रिमूवेबल है, ये सब रिमूव हो जाता है देखिए। तो आप चाहे तो पूरा रिमूव करके, अगर आप ऑफ शोल्डर भी पहन रहे हैं तो आप ऑफ शोल्डर के टाइम पे ये ट्रांसपेरेंट वाला स्ट्रैप इसमें लगा के यू कैन वेयर इट एंड सी पैडेड है एंड कितना अच्छा शेप है इसका। कुछ कुछ ब्रास तो पहनने से ज़्यादा देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। वायर भी जी नीचे दिया हुआ है, काफ़ी फ्लेक्सिबल वायर है, ऐसा नहीं कि बहुत स्टिफ है। आप अपनी ब्रा को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको हिंडर कर रहा है, ऐसे नहीं है। एंड ये जो अंडर वायर दिया है वो भी आपके शेप को, आपके ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करने में बहुत मदद करता है। सो दिस इज़ वन एंड मैंने ये निकाल दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको डायरेक्टली आप ऐसे पहने विदाउट द स्ट्रैप, देन ऑल्सो यू कैन ट्राई दैट वे। इसके जो क्लिप्स है उसको लगाना एंड निकालना भी काफ़ी ईजी है। एंड नेक्स्ट वन इज दिस वन, दिस इज़ मैंने तो इसका नाम रखा है हनीमून ब्रास होनी चाहिए ना, जो ऐसी होनी चाहिए बिकॉज बहुत ही सेक्सी, बहुत ही कूल ब्रास है। एंड दिस इज़ ऑल्सो पैडेड एंड अंडर वायर दोनों है ये, एंड इसके स्ट्रैप्स भी जो है पूरे रिमूव हो जाते हैं। सो सेम क्वालिटी है, ओनली कलर डिफरेंस है विद प्रॉपर नेट एंड इसका जो शेप है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे ना रह के आपको साइड से एकदम कॉर्नर से आपकी बेल्ट आएगी तो उसका भी कंफर्ट अलग रहता है। हर एक ब्रा का शेप अलग होता है एंड जो है उसका कंफर्ट जोन अलग होता है डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ का। तो मैं कहूँगी कि आपको टाइम टाइम पे जो है अलग अलग ब्रास यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर हमेशा एक ही चीज़ में लगे रहेंगे तो आपको पता नहीं लगा कि आपको कौन सी बेस्ट सेट करती है। तो आप अगर टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे तो एट अ पॉइंट यू विल अंडरस्टैंड कि ओके दिस ब्रा फिट्स मी वेरी गुड, मुझे ऐसी ब्रास पहनना चाहिए। जब तक आप चेक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। एंड परसेंटेज बहुत हाई है कि आज भी लोगों को पता नहीं है कि कौन सी ब्रास पहननी चाहिए, कैसी ब्रास नहीं पहननी चाहिए, क्या करेक्ट साइज़ है, क्या करेक्ट साइज़ नहीं है। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, एड इन द आई बटन। अब आ जाती है पैंटी के बारे में, अगर आप वो पहनते हैं तो सही में आपको जो है शेपर्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ली है ये तीन पैंटी, तो ये देखिए ये है वो पैंटी। तो अगर आप इसको पहनेंगे ना आपको शेपर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो है आपकी रेगुलर पैंटी होती है। अगर ऐसे देखें आप, ऐसे रेगुलर पैंटी रहती है एंड दिस इज़ द एक्स्ट्रा पार्ट जो आपकी बल्जिंग को कवर करेगा। तो मैंने दो लिए हैं, ऐसी वाली मैंने पहले भी यूज़ करी हुई है तो इसका जो इम्पॉर्टेंट है, इसका जो कंफर्ट है मुझे मालूम है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो ये देखिए ये जो शेप है आपकी कमर को एकदम अच्छी तरह हाइक कर लेता है एंड सी द इलास्टिसिटी एंड इसमें कोई ढीला ढाला होने वाला टेंशन भी नहीं रहता है। रेगुलर जो पैंटीज होती है जब वो यहाँ तक रहती है उनकी जो ऊपर की बेल्ट होती है वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है, बट दिस इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी वाला इलास्टिक, तो काफ़ी अच्छी तरह काफ़ी स्टेबल रहता है एंड काफ़ी ड्यूरेबल है। तो मैंने इसमें दो कलर लिए हैं, एक ये लिया है एंड एक जो है ये ब्लू कलर में लिया है। उसके अलावा मैंने एक बॉक्सर लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप कुर्ते पहनते हैं कुछ पहनते हैं, जब हाई कट रहता है उसका तो आपका जो है लेगिन में से पैंटी लाइन दिखता है विच डजेंट लुक गुड। या तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो आपके पैरों तक आ जाएगा, अदरवाइज़ दूसरी पैंटीज भी आती हैं जो ऐसी होती है सेम, लेकिन उसमें ये जो स्टिच है ना वो स्टिच नहीं होता है, डायरेक्टली ऐसे करके डायरेक्ट रहता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था मेरा, तो फिर मैंने सोचा ये ले लेते हैं, इसलिए मैंने ये वाला लिया। तो ये भी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक ये स्टोल सा लिया है, ये देखिए कुछ ऐसा स्टोल है एंड कभी आप कोई टॉप पहनते हैं जो आपको लगता है थोड़ा और आप थोड़ा क्लासी लुक, मतलब
थोड़ा डिफरेंट फंकी लुक देना चाहते हैं, तो आप इसको डिफरेंट स्टाइल में अगर टाई करेंगे तो आपको वो वाला लुक मिलेगा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे डाल के भी। आप ऐसे भी डाल सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट इसके शेप्स बना सकते हैं। यू कैन पुट इट लाइक दिस, सो अलग अलग शेप्स में आप इसको कर सकते हैं। या तो अगर धूप में आप इसको मास्क बनाना चाहते हैं तो यू कैन मेक अ मास्क टू सी, ऐसे करके आप मास्क भी बना सकते हैं। एंड मैनी टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ स्टोन्स जानते हैं जैसे कि आप, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये एक लिया है एंड इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है एंड बहुत ही प्योर कॉटन टाइप का है, सो वेरी नाइस। यू कैन सी लास्ट आइटम ये है, ये ब्रास की क्लिप्स है जो आप पीछे इस तरह से लगाएंगे। तो अगर आप ऑफ शोल्डर्स पहनते हैं या स्लीवलेस पहनते हैं जहाँ पे ब्रास थोड़ी बाहर निकल के आती है, तो आप उसको ऐसे करेंगे तो बीच में आ जाएगी, तो आपके ब्रास भी विजिबल नहीं होगी। एंड दूसरी चीज़ कि अगर गलती से आपके पास कोई ढीली सी ब्रा पड़ी है, तो अगर आप उसमें ये वाली क्लिप, मतलब बहुत ढीली नहीं कि आपके साइज़ से एकदम परे हो वैसे नहीं, तो जो आपके साइज़ की हो लेकिन थोड़ी आपको लग रहा है कि स्ट्रैप ढीली हो चुकी है, अगर आप ये वाला क्लिप उसमें लगाएंगे तो वो एकदम परफेक्ट साइज़ में आ जाएगी। तो यही सारे आइटम्स थे जो मैंने कूपन बाइट्स के थ्रू लिए थे शाई अवे से एंड विद अ वेरी गुड कैशबैक। तो लेना कैसे है उसकी आप एक जर्नी भी देख लीजिए, ताकि आप इसके बाद अगर ख़रीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं ये वाला प्रोसेस फॉलो करके, तो देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले गूगल में जाके आपको कूपन बाइट्स टाइप करना है, तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ₹25 साइनअप बोनस दिख रहा है, और आप इस पे अकाउंट अगर बना लेते हैं तो ₹25 आपकी जेब में। एंड जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसके साथ बहुत सारे ब्रांड्स दिखेंगे जो कूपन बाइट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो मैंने शाई अवे पे क्लिक कर दिया है, आप चाहे तो सर्च में भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे फ्लैट 400 कैशबैक लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है कि आप कौन कौन सी ब्रास का ऑफ़र ले सकते हैं, या तो मतलब जैसे 1199 में 5 ब्रा है, फिर 1499 में 2 टाइप की ब्रा है, ऐसे अलग अलग ब्रास है जिस टाइप की आपको चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको डेमो के लिए एक ब्रा सेलेक्ट करी है, आप अपना साइज सेलेक्ट कीजिए, कार्ट में डालिए उसको। एंड देखिए आइटम कार्ट में जब ऐड हो जाता है तो आप कार्ट में जाके उसको ओपन कीजिए और उसके बाद चेकआउट के लिए चले जाइए। तो चेकआउट में जाने के लिए आपको यहाँ पे, अगर आपका शाई अवे में ऑलरेडी अकाउंट है तो आप कर सकते हैं लॉगिन, अगर नहीं है तो गेस्ट की तरह भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट है लेकिन मैं गेस्ट की तरह कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लॉगिन करूँगी तो मेरा एड्रेस, फ़ोन नंबर वहाँ पर सब दिख जाता है, इसलिए मैं गेस्ट की तरह करके आपको जनरली दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको सारे अपने डिटेल्स भर देने हैं एंड पेमेंट आप जैसे चाहे कर सकते हैं, COD या नेट बैंकिंग। एंड जो आपका कैशबैक है आपको 40-90 डेज़ के बीच में आपके अकाउंट में आ जाएगा। यही था मेरा आज का वीडियो। अगर कोई हॉल वीडियो जस्ट ऐसे निकाल के ऐसे दिखा के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसे ख़त्म नहीं करती हूँ। आई ट्राई टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती है जो यूज़ हो सकती है, उसके आजू बाजू जो भी चीज़ें होती है जो पता होनी चाहिए आप लोग को, वो पक्का मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना है तो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। हमेशा ये मोटिव रहता है कि जब भी कोई मेरा वीडियो देखे तो उसको पक्का यूज़ हो। ये नहीं है कि भाई मैंने एक क्लोथ दिखा दिया या एक ब्रा दिखा दी, भाई खरीद लो, दैट इज़ नॉट माई मोटिव। लेकिन क्यों खरीदो, कैसी वाली खरीदो, वो समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, या तो आप कहीं और से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपको कौन सी कैसी ब्रास खरीदनी चाहिए। सो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप पसंद आया होगा। तो एक लाइक तो ज़रूर चिपका दीजिएगा प्लीज़, एंड प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं जब शेयर आप करेंगे तभी लोगों में जो है खुलने की जो है फीलिंग आएगी। जो भी चीज़ें वो दबा के रखते थे जिनकी वजह से बीमारियां हो जाती थी, वो सारी चीज़ें नहीं आएगी, वो सारी बीमारियों को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो शेयर दिस एंड सब्सक्राइब फॉर माई नाइस अपकमिंग वीडियोज़ बेल की घंटी को दबा के। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।